चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी, हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए, 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसी, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपाई उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले, सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसी, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया, और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पर लाइन बना रहे हैं, और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए, जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रक्रिया जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेंगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मौ भू सिकोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं, वो क्यों आंखें तरेरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8-8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है, क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार है? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है।